की आखिरी निशानी लेकर भाई वो पति निकला है ढूंढने, दर दर ढूंढ कर है परेशान, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है इनकी बहन और इनकी पत्नी। अब ये मौजूद है पूर्णिया में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये दो शख्स हैं, ये दो शख्स तलाश में हैं और यह दुकान हर दुकान पे जा रहे हैं और हर लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यह तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल इनकी बहन है, इनकी बहन है और इनकी पत्नी है। ये पिछले कई दिनों से लापता है और राखी के कुछ ही दिन बीतने के बाद इनकी बहन लापता हो गई। तो वही भाई जो है अपने बहन को ढूंढने के लिए हाथों में राखी लेकर और पोस्टर लेकर निकले हैं। और राखी की आखिरी निशानी लेकर किसको ढूंढ रहे हैं? अपने बहन को ढूंढ रहे हैं। कब से ढूंढ रहे हैं? लगभग 25 दिन से ढूंढ रहे हैं। क्या कारण रहा, कहाँ चली गई? वो पूर्णिया से ही जो है कि पूर्णिया मेरा घर पड़ता है। अच्छा। रामनगर में लगभग 10 बजे दिन में 25 तारीख को वो अपना बैग लेके दिमाग से हल्का डिस्टर्ब निकल गया। अच्छा। उनको शाम में पता चला 5 बजे, तो हम लोग खोजे लेकिन नहीं मिला। उसी दिन से खोज रहे हैं, पटना भी खोजे, पटना दानापुर भी खोजे, पता चला कि पटना दानापुर में है, वहाँ भी गए, भागलपुर गए, पता चला भागलपुर में है तो वहाँ भी गए, लेकिन उसी दिन से हम लोग बहुत अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी तक। अच्छा, ये राखी और हाथ में फोटो लेकर आप हर दुकान पर जा रहे हैं पता करने? हर जगह जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, गाड़ी वाला को दिखा रहे हैं, टेम्पू वाला को दिखा रहे हैं, लोग को दिखा रहे हैं, चलते फिरते यात्री को दिखा रहे हैं। काफी ढूंढने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया। क्या कारण रहा जो कि आपकी बहन का मानसिक वगैरह? मानसिक हल्का डिस्टर्ब थी। कैसे? घरेलू मीटर से डिप्रेशन में चला गया था। काफी परेशानी दिख रही थी। अचानक ऐसा हुआ? अचानक ऐसा। बच्चे हैं उनको? हाँ, बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं। दो बच्चे हैं? दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अब तक कोई पता नहीं चल पाया? अब तक उनका कोई पता नहीं। ढूंढने वाले को इस पोस्टर में इनाम भी दिया जाएगा लिखा हुआ? एकदम दिया जाएगा, 5,000 की राशि एकदम दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कुमार। आपके हाथ में जो ये पोस्टर है किनको ढूंढ रहे हैं आप? हमारा पत्नी है भाई। पत्नी है? कब से लापता है? 25 अगस्त से लापता है, शिव मंदिर पॉलिटेक्निक। अब तक नहीं मिला? अभी तक नहीं। कहाँ कहाँ ढूंढे आप? इसको दानापुर मनेर सगरो पहुँच गया है, रोड से कोई पता नहीं चला। कैसे मानसिक हालात क्या था? मानसिक हालात इसका जितनी है और अपने आप पैर पर खड़ा होने चाहती है, इसीलिए निकल गई है। मतलब दिमागी हालत ठीक था? दिमागी हालत ठीक है, हिंदी फ्रेश बोलती है, एकदम बोलने विचारने में कोई टेंशन नहीं है, ब्राह्मण की बच्चा है, सब बुद्धि संस्कार है, मतलब हल्का सा चीज को फील हो गई है। लो डिप्रेशन के कारण ऐसा हो गया? हाँ, चिंता में ज्यादा रहने लगी। हाँ, इसीलिए बैग लेकर निकल गई पॉलिटेक्निक तक, मंदिर शिव मंदिर से। ये पूर्णिया से गायब हुई थी? हाँ, शिव मंदिर से। बाबा को बोल रहे हैं, बाबा अब आप ही के हाथ हम लोग लौटी आ गए मिस्टर बाबा, और सब बाबा को साथ पा रहे। कितने उम्र होगा उसका? 36 वर्ष। बाल बच्चे भी हैं? हाँ, 15 साल की लड़की है, 16 साल की लड़का है। अच्छा, आप सभी लोग परेशान है ढूंढने में? परेशान है, रघुनाथपुर गाँव का। अब तक नहीं मिल पाया? फोटो है। आप ये हाथ में जो पोस्टर लिए हुए, इसमें लिखा हुआ है कि ढूंढने वाले को इनाम भी दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा, 5,000 उसको देंगे। अच्छा, हमारा आदमी मिल जाएगा। बहुत परेशान है आप लोग? हाँ, सब को बोला पति हम पूरा करेंगे। कैसी थी देखने में? देखने में है हल्का पिर श्यामर। अच्छा। हाँ, व्यवहार विचार भी बोलती है, इसका कमी नहीं है। ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई 5 फुट। 5 फुट है। किस कलर का कपड़ा पहन के निकली थी? सलवार सूट पहनी है, लाल कलर। लाल कलर का? जिस दिन से लापता हुई है। रीना देवी नाम है। रीना देवी नाम है। पति का नाम? बम बम झा। घर कहाँ है? रघुनाथपुर, पूर्णिया जिला पड़ता है। हाँ, ग्राम रघुनाथपुर, पोस्ट कचहरी बलवा, भाया बनेली, जिला पूर्णिया। आप कौन हुए? हम उसका पति। आपका क्या नाम हुआ? बम बम झा। आपने हमारे साथ मौजूद भाई और पति दोनों थे जिन्होंने बताया कि ये पिछले महीनों भर से ये अपने बहन और अपने पति को ढूंढने में परेशान है। तो ऐसे में अब तक इन्होंने कई दुकानों और कई बाजार और कई जगहों पर जाकर भी अपनी बहन और पत्नी की तलाश की है, लेकिन अब तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में लापता हुई इस महिला के पति व भाई कहते हैं कि अगर किन्हीं भी व्यक्ति को आपको इनके पत्नी या इनकी बहन दिखती है तो आप इनके दिए हुए इस नंबर पर फोन करें और इनके तरफ से ढूंढने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा। फिलहाल ये खबर आपको मैं पूर्णिया से दिखा रहा हूँ। अगर आप पूर्णिया या
देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो ऐसे में इन व्यक्ति को देखकर निश्चित ही इस नंबर पर फोन करें और एक दूसरों की मदद करें। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल 18 पूर्णिया के लिए विक्रम झा।